सो रजनी अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं शुड एंड शुड हैव की, ठीक है। शुड का मतलब है आगे के लिए एडवाइस करना है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू। और शुड हैव का मतलब होता है पास्ट में करना चाहिए था, यू शुड हैव डन, थर्ड फॉर्म आती है उसमें, ठीक है। कि चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें रोज खाना खाना चाहिए, You should eat food every day. तुम्हारी बहन को भी रोज खाना खाना चाहिए। Your sister should also eat food every day. क्या मुझे रोज खाना खाना चाहिए? Should I eat food every day? तुम्हारी मम्मी को बुक पढ़नी चाहिए थी। Your mother should have read the book. Okay, तुम्हारे पापा को भी पढ़नी चाहिए थी। Your father should have also read book. हाँ, क्या मुझे भी बुक पढ़नी चाहिए थी? Should I have also read book? Very good. तुम्हारे भाई को दीवार पर लिखना चाहिए। Your brother should write on the wall. Okay. मुझे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लिखना चाहिए। But I should not write on the wall. हाँ, क्या मुझे लिखना चाहिए? Should I write? तुम्हारे भाई को कार नहीं चलानी चाहिए थी। Your brother should have not driven the car. Should have not की जगह बोलिएगा should not have driven car, ठीक है। Should not have driven car, ठीक है। Your brother should not have driven car, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पापा को चलानी चाहिए थी। But your father should have driven car. क्या मुझे भी कार चलानी चाहिए थी? Should I also have driven car? वेरी गुड। तुम्हारी मम्मी को चाय नहीं बनानी चाहिए। Your mother should not make tea. हाँ, तुम्हारी बहन को चाय बनानी चाहिए। Your sister should make tea. क्या मुझे भी चाय बनानी चाहिए? Should I also make tea? Okay. तुम्हारे पापा को रूम साफ कर देना चाहिए था। Your father should have cleaned the room. हाँ, तुम्हारी बहन को भी रूम साफ कर देना चाहिए था। Your sister should also have cleaned the room. Very good. मुझे ये मूवी देखनी चाहिए थी। I should have watched this movie. तुम्हें भी ये वॉच करनी चाहिए थी मूवी। You should also have watched this movie. हाँ, क्या हमारी फैमिली को भी ये मूवी देखनी चाहिए थी? Should our family also have watched this movie? Very good. हमें पौधों को पानी देना चाहिए। We should water the plants. तुम्हें भी पौधों को पानी देना चाहिए। You should also water the plant. क्या मुझे पौधों को पानी देना चाहिए? Should I water the plants? मेरे दोस्त को अपना फोन चार्ज कर लेना चाहिए। My friend should charge his phone. उसके पापा को भी अपना फोन चार्ज कर लेना चाहिए। And his father also should charge his phone. हाँ, सबको अपना फोन चार्ज कर लेना चाहिए। Everyone should charge their phones. Very good. मेरे भाई को बच्चों के साथ खेलना चाहिए था। My brother should have played with children. हाँ, तुम्हें भी बच्चों के साथ खेलना चाहिए था। You should also have played with children. क्या हमें भी बच्चों के साथ खेलना चाहिए था? Should we have also played children? हाँ, मुझे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। I should not read newspaper. तुम्हें भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। You should also not read newspaper. क्या मेरे पापा को न्यूज़पेपर रोज पढ़ना चाहिए? Should my father read newspaper every day? तुम्हें अपने दोस्त को नहीं बुलाना चाहिए था। You should not call your friend. नहीं। You should not have called your friend. बल्कि तुम्हारे दोस्तों को तुम्हें बुलाना चाहिए था। Instead your friends should have called you. ये जो अटक रहे हो इसी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। Okay. क्या मुझे भी तुम्हें बुलाना चाहिए था? Should I also have called you? तुम्हें ये विंडो साफ करनी चाहिए थी। You should have cleaned this window. तुम्हारी मम्मी को भी ये विंडो साफ करनी चाहिए थी। Your mother should have also cleaned this window. हाँ, your mother should also have cleaned this window. क्या मुझे भी ये विंडो साफ कर लेनी चाहिए थी? Should I also clean this window? ओके, शुड आई ऑल्सो हैव क्लीन्ड दिस विंडो। ठीक है, बहुत बड़ा फर्क है दोनों बातों में। yes, yes. जितना तुम्हें इजी लग रहा है, ठीक है। हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे। हमारे दोस्तों को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी आवर फ्रेंड आल्सो शुड एक्सरसाइज एवरी डे। क्या मुझे वेट बढ़ाना चाहिए? शुड आई गेन द वेट? वेरी गुड। तुम्हारी मम्मी को कपड़ों को प्रेस कर लेना चाहिए था। योर मदर शुड हैव आयरन्ड द क्लोथ्स। हाँ, उनकी तय भी बना देनी चाहिए थी तुम्हारी मम्मी को। एंड she should also have fold the clothes. क्या मेरी मम्मी को तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी? Should my mother help you? Should my mother have helped you? Very good. मुझे बुक पढ़नी चाहिए। I should read book. तुम्हें भी बुक पढ़नी चाहिए। You should also read book. दुनिया में सबको बुक पढ़नी चाहिए। Everybody should read book in the world. Okay. हमें दीवारों पर पेंट नहीं करना चाहिए था। We should not have painted the wall. तुम्हें करना चाहिए था। You should have painted the wall. हाँ, क्या मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी? Should I also have helped you. Very good. उसे मेरे ईमेल नहीं चेक करने चाहिए थे। He should not have checked my emails. मेरे भाई को भी तुम्हारे ईमेल नहीं चेक करने चाहिए थे। My brother also should not have checked your emails. क्या मुझे तुम्हारे ईमेल्स चेक करने चाहिए थे? Should I have checked your emails? Very good. तुम्हें बाल काटने चाहिए। You should cut hair. मुझे भी बाल काटने चाहिए। I should also cut hair. हाँ, दुनिया में सबको बाल काटने चाहिए। Everybody should cut hair in the world. तुम्हारे पापा को लैपटॉप यूज करना चाहिए था। Your father should have used laptop. और उन्हें मोबाइल भी यूज करना चाहिए था। And he should have He should also have used mobile. क्या मुझे तुम्हें मोबाइल गिफ्ट करना चाहिए था? Should I have gifted you a phone? तुम्हें क्रीम लगानी चाहिए थी। You should have applied cream. तुम्हारे भाई को भी क्रीम लगानी चाहिए थी। Your brother should also have applied cream. क्या मुझे भी क्रीम लगानी चाहिए थी? Should I have also applied cream? Should I also have applied cream? क्या मुझे बिल पे करना चाहिए था? Should I have paid the bill? क्या तुम्हें बिल पे करना चाहिए था? Should you have paid the bill? क्या हम लोगों को बिल पे करना चाहिए था? Should we have paid the bill? Very good. तुम्हें मेरी वीडियोस देखनी चाहिए। You should have watched my videos. देखनी चाहिए, यही फर्क पता करने के लिए क्लास है। नहीं, यही तो चेक करना है क्या सुन रहे हो क्या। You should watch my video. तुम्हें मेरी वीडियोस देखनी चाहिए। You should watch my videos. हमें तुम्हारी वीडियोस देखनी चाहिए। You should watch your videos. हमें एक दूसरे की वीडियोस देखनी चाहिए। You should watch each other videos. Very good. तुम्हें रोज नहाना चाहिए। You should take bath every day. तुम्हारे भाई को भी रोज नहाना चाहिए। Your brother should also take bath every day. क्या मुझे भी रोज नहाना चाहिए? Should I take bath every day? तुम्हारे पापा को पैसे कमाने चाहिए थे। Your father should have earned money. और मुझे भी पैसे कमाने चाहिए थे। And I should also have earned money. तुम्हारी मम्मी को पैसे बचा लेने चाहिए थे। Your mother should have saved money. और तुम्हारी बहन को पैसा खर्च कर देना चाहिए था। And your sister should have spent money. Spent money. Very good. तुम्हारे पापा को नई बुक लिखनी चाहिए। Your father should have written a new book. लिखनी चाहिए। Your father should write a book. Oh, your father should write a book. तुम्हारे भाई को वो बुक पढ़नी चाहिए। Your brother should read that book. क्या मुझे भी वो बुक पढ़नी चाहिए? Should I also read that book? तुम्हारे भाई को बिल पे करना चाहिए था। Should you? तुम्हारे भाई को बिल पे करना चाहिए था। तुम क्वेश्चन पूछ रही हो। Your brother should have paid the bill. तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। You should not have told a lie. देखा, सेंटेंस में अटक रहे हो, इंग्लिश कैसे बोलोगे, सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हो, तो इंग्लिश बोलना और डिफिकल्ट है, इसलिए प्रैक्टिस करना, ठीक है। मुझे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए थी, I should have talked to my friends. उन्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी, They should not have talked to me. क्या मुझे भी तुमसे बात करनी चाहिए? Should I also talk you? वेरी गुड। सो गाइज, शुड तो काफी हद तक ठीक था, बट शुड हैव के साथ इंग्लिश बोलना थोड़ा डिफिकल्ट। अगर आप ये सोच रहे जैसे रजनी बहुत ज्यादा अटक रही थी, तो अगर आपको भी लग रहा है तो देखिए इम्प्रूव तो कीजिए, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि हम पूरी लाइफ शुड ही थोड़ी ना बोलेंगे, बाकी चीजें भी है, तो हमें ओवरऑल देखना है, यानी कि मतलब इंडिविजुअली एक वर्ड पकड़ना कि नहीं शुड हैव तक ठीक नहीं होगा, आगे नहीं जाएंगे, आगे जाते रहना है, ठीक है, रुकना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो। सारी सीरीज देखो, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जरूर देखो।